Please tell me the energy of this room. Please tell me the energy of this room. मुझे इस रूम की एनर्जी बताइए कैसी है. Please tell me the energy of this room. आप देख रहे हैं मेरा हाथ वहीं का वहीं है लेकिन इसने घूमना शुरू कर दिया है. ये मुझे इस कमरे की एनर्जी बता रहा है. मैं जितनी देर चाहे इससे उतनी देर यही सवाल पूछ सकती हूँ. Okay, stop. Angel, please stop. Please stop. देखिए अब ये बिल्कुल रुक गया है. ये ऐसे आपके कमांड्स पे काम करता है. आप जो इसको कमांड देते हैं एक बार आप इसको अपना बनाएंगे उसके बाद आप इससे जो भी कहेंगे ये वो करता है और बहुत कुछ बताता है. अभी देखिए मैंने आपकी एनर्जी चेक करी है हंस के. अब ये मैंने आपको बोला कि ये ज्यादातर क्योंकि ये बहुत भारी होता है इससे हम वास्तु या पानी कहाँ है वह हम वो ढूंढते हैं. ऐसे ही इसको अगर हम खोलते हैं तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक होल होता है. ये होता है बुलेट पेंडुलम. बुलेट पेंडुलम इसका भी हम एक खास तरीके से यूज करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के सामने अपना सवाल नहीं पूछ सकते या आप यू नो किसी के सामने ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि लो मैं ये सवाल का जवाब बताता हूँ. आप इसके अंदर से ही चुपचाप सवाल का जवाब बिना बोले बिना सोचे निकलवा सकते हैं. तो ये होता है मेटल का. एक होता है रुद्राक्ष का पेंडुलम. अगेन क्योंकि नेचुरल है इसलिए रुद्राक्ष का पेंडुलम भी बहुत अच्छे आंसर्स देता है क्योंकि ये बहुत 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 पायस सीट होता है. शिव जी खुद धारण करते हैं इसको. देन आप खुद का भी एक पेंडुलम बना सकते हैं अगर आपके पास पेंडुलम है ही नहीं. फाइन. और अगर आपको अचानक जरूरत पड़ गई कि अभी मेरे को कुछ जानना है तो मेरे को पेंडुलम चाहिए आप अभी के अभी अपना पेंडुलम बनाकर भी आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं. लाइक अगर मैं आपको अभी पूछूं आप में से कोई ऐसा है जिसके आसपास अभी कोई धागा होगा या कोई अंगूठी किसी के पास होगी कोई भी जो करना चाहता है तो मैं अभी आपको थोड़ी सी एनर्जी देख के और मैं आपको अभी आपका पेंडुलम चलवा के दिखाती हूँ. किसी के पास कोई अंगूठी और कोई धागा अगर राइट नाउ है और वो करना चाहते हैं. I think you will need to come on camera ताकि मैडम अपनी एनर्जी से वो कर सके. आपका ऑरा चेक करना होगा और आपके एनर्जी देनी होगी मुझे आपको. इसलिए अगर कोई है जो बॉन्ड स्कीम मैं करके देखती हूँ कि देखता हूँ कि कैसे चलता है ये क्योंकि आपको नहीं आता है इसलिए मैं आपको एकदम से अभी बताऊंगी कि विदाउट लर्निंग एनीथिंग अभी भी आप कैसे चला सकते हैं. तो जब आपको प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ. सो देयर इज वन आयु शी इज आस्किंग आई हैव अ पेंडेंट. या ऑफ कोर्स. या ओके शी इवन पेंडेंट विल वर्क. हां पेंडेंट भी चलेगा अगर आप आना चाहते हैं. देयर इज अनोली या अनोली याग्निक करके है उन्होंने बोला है कि आई हैव पेंडुलम. आपका पेंडुलम चार्ज्ड है या आपने सिर्फ अभी ऐसे ही लिया है. आयु यू कैन डू इट नाउ पर आपको कैमरा पे आना पड़ेगा ताकि मैम की एनर्जीज मतलब मैम आपको कुछ एनर्जीज दे सके. मेरे पास ऐसे ही है पेंडुलम. किसी ने गिफ्ट दिया हुआ था कोई बुक के साथ फ्री आया हुआ था. ओके हाँ फिर ठीक है. देन इट इज फाइन इफ इट इज नॉट प्रोग्राम तो फिर ठीक है. आप आ सकते हैं कैमरा पे उसको साथ लेकर. आई विल टेक जस्ट अ मिनट मैं उसको लेके आता हूं. प्लीज टेक योर टाइम नो प्रॉब्लम. अच्छा अभी आपको मैं एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज करा के देखती हूँ. अगर आप कोशिश करिए कि अगर आप कोई कोई भी चीज ऐसी जिसमें हैंगिंग हो अगर आप और भारी चीज नीचे हो अगर आप कर सके तो अभी राइट नाउ मैं आप सबका पेंडुलम चलवा के दिखाती हूँ और वो आपको सही जवाब देगा. Yes, we have Ayu on screen. Okay. Hello, Ayu. You can unmute yourself. Okay. Hi, ma'am. So I have this crystal. This is also rose quartz, and I have this double chain. This is not a single chain. So basically, this is a necklace. Fine. Okay. आप इसको पहनते हो regular में? Yes, ma'am. Okay. Will that work?
या ऑफ कोर्स इट विल वर्क, इट इज अलाइन टू योर एनर्जीज, इट विल वर्क. आप इसको अपने हाथों में ऐसे रब करिए, लाइक दिस, जस्ट रब इट लाइक राइट. अब आपके पास कोई पेपर या पेन होगा, एनी पेपर और पेन यू हैव अराउंड, ब्लैंक पेपर, या ब्लैंक पेपर विल आल्सो वर्क. शो मैम, पेपर एंड द पेंसिल. Yes, fine. Priyanka, can you spotlight her? Ma'am, Anuli here. मैं 8 month pregnant हूँ तो चलेगा, ऐसे कोई issue नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल problem नहीं. Okay. This pendulum, ma'am. Just a minute, huh? Anuli. Yes. आप इसको अपनी energy के साथ align करिए, ऐसे हाथ में रगड़ के, और एक paper और एक pen लेके बैठिए. I think okay. We have two candidates. Can you give the spotlight here to Ayu? Yeah, okay. Just Ayu, yes, okay. Yes. Yeah, done. It's done. Okay, fine. Now, aap ek kaam kariye. Aap ek straight line उस पेपर पे पेंसिल से बनाइए, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. यस, जो भी करना चाह रहा है एक बार एक स्ट्रेट लाइन करिए, बस थोड़ी छोटी भी चलेगी, नो इश्यूज, बस 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 इतना पेना पेना पेना. अब आप क्या करिए, अपने पेंडुलम की जो टिप है ना वो इस लाइन के सेंटर पे रखिए, ओके, ऊपर से पकड़ लीजिए, ऊपर से पकड़ लीजिए, एक हाथ से पकड़िए, दूसरा हाथ टच नहीं करना आप इसको. Are you a left-hander? नहीं, तो फिर राइट में पकड़ो, डोमिनेंट हैंड पे लो. Okay, okay, sure. Yes, ठीक है, हाँ बस ऐसे टिका दो, फाइन. अब टच करो लाइन के एकदम सेंटर में, ठीक है, और फिर ऊपर कर लेना, बस जस्ट उसको सीधा करना ताकि वो हिले नहीं. हाँ, अब हल्का सा ऊपर ले लो एंड जस्ट टेल योर पेंडुलम कि इस लाइन के साथ साथ स्ट्रेट चलो. इस लाइन के साथ साथ स्ट्रेट चलो, इस लाइन के साथ साथ स्ट्रेट चलो, इस लाइन के साथ साथ स्ट्रेट चलो. आई हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. यस, या इट्स मूविंग, बट या इट्स मूविंग मैम, इट्स मूविंग, लिटरली मूविंग. Ma'am, I also tried moving straight. Who else is trying? Vishaka here. Try कर रही हूँ. Okay. हाँ. ये कौन है? Anoli. Anoli, आपका भी straight चल रहा है. हाँ, मेरा straight चल रहा है. मेरा हाथ खींच रहा है इसे. हाँ, बस रोक दीजिए. मेरा भी. आप करिए सौरभ. मेरा तो पहले वो मूव हो रहा था, अब स्टॉप हो गया. अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको फिर से सेंटर में रखिए और उसको उठाइए. अच्छा विशाखा जी, आपका भी चल रहा है? अच्छा, स्ट्रेट. हाँ, आप उसको बोलिए कि लाइन के साथ साथ चलो, सिर्फ ये बोलिए, लाइन के साथ साथ चलो, हाँ. विशाखा जी का भी बहुत अच्छा जा रहा है, बढ़िया. अब इस लाइन के बीचों बीच आप एक वर्टिकल लाइन डाल दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दीजिए, ऐसे, ठीक है, दिस वे. फिर से सेंटर में रखिए और अब कहिए कि साइडवेज चलो. हरप्रीत इज आस्किंग, आई हैव अ रिंग, फिंगर रिंग, कैन इट वर्क? यस यस, इट कैन वर्क. अब इसको बोलिए साइडवेज चलो. आयु का चलना शुरू हुआ. अच्छा, विशाखा जी का भी चल गया. अनोली, आपका चला साइडवेज चला? और कौन ट्राई कर रहा है? No, it's moving fast now. Yes, अब इसने एनर्जी कैच कर ली ना आपकी. ओके, अब आप एक सर्कल बना दीजिए. अब सर्कल बना दीजिए. एंड नाउ टेल हिम कि सर्कल में घूमो. सेंटर में ही है, उसके आसपास कहीं पे भी सर्कल बना दो, कहीं पे भी बना दो, वो चलेगा.
हाँ अब सेंटर में इसको रखो, उठाओ और इसको बोलो गोल घूमो. ओके गोल घूमो गोल घूमो गोल घूमो गोल घूमो गोल घूमो गोल घूमो. ये तो बहुत ज्यादा हिला देती हो. गोल घूमो हाँ अभी गोल तो घुमा नहीं बहुत ज्यादा हिलाओ मत उसको. हाँ अनोली का भी चला. अरे वहां विशाखा जी आपका तो बहुत बढ़िया चल रहा है. अभी गोल घूमना शुरू हो गया. अब आप इसको रोकिए और इसको कहिए अब उल्टा घूमो. अब इसको बोलिए उल्टा घूमो उल्टा घूमो अब उल्टा घूमो अब उल्टा घूमो. Actually, Saurav is a tarot card reader, so I think his energies are a bit more aligned. हाँ बहुत ही मतलब fast काम हो रहा है मेरा. पता नहीं क्यों पर मैं जब भी बोल रही हूँ वही हो रहा है. Okay, अभी किसने किया है और कौन कर रहा था? कौन कर रहा था प्रियंका? टैरो कार्ड रीडर कौन है? सौरव. सौरव ओके सौरव आप एक काम करो कैन यू कम ऑन स्क्रीन? यस मैम. अच्छा अपने टैरो कार्ड्स ले लो और जरा स्क्रीन पे आओ. अब इसने आपकी इतनी देर बात मानी है ना तो आप एक बार इसको माथे से लगा के थैंक यू जरूर बोलिए क्योंकि आपकी एनर्जीज आई थी इसके अंदर. इसलिए आप उनको बहुत रिस्पेक्टफुली थैंक यू जरूर बोलना चाहिए क्योंकि आपकी कमांड पे इन्होंने काम किया. ओके सौरभ अब आप एक काम करिए अपने टैरो कार्ड के ऊपर इस पेंडुलम को घुमाइए और उससे पूछिए आपके टैरो कार्ड के एनर्जी क्या है. मेरे को बहुत मजा आया. एनर्जी क्या है? Yes, sir. This is a magic. It's like magic. This is nothing, Abhito. Nothing मतलब ये कुछ भी नहीं है. This is not even 0.2%. मैम ये round round घूम रहा है. Anti clock घूम रहा है या clockwise घूम रहा है? Clockwise ही घूम रहा है. ये आपके cards को charge कर रहा है. अब ये जब भी आपके कार्ड्स के ऊपर गोल घूमेगा आप समझ जाइए आपके कार्ड्स चार्ज हो रहे हैं. तो ना तो आपको रात को बाहर रखने की जरूरत है ना इन कार्ड्स को कुछ और करने की जरूरत है. आप पेंडुलम से अपने टैरो कार्ड्स को चार्ज करिए. वाओ आई लव यू थैंक यू सो मच मैम. यस आई बोलो इफ एट ऑल इफ वी हैव नेगेटिव एनर्जीज अराउंड या हमारे अंदर भी नेगेटिव उससे भी हम अपने कार्ड चार्ज करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जीज उसमें आ जाएगी? नहीं आप पहले अपनी एनर्जीज क्लीन करोगे फिर कार्ड्स की एनर्जीज को क्लीन करोगे. क्योंकि अगर आपका खुद का ऑरा वीक है तो आप वीक ऑरा से कोई नेगेटिव चीज को टच करोगे तो आप और बीमार पड़ जाओगे. आप जब भी बीमार होते हो एक बात समझ जाओ आपकी ऑरा वीक है इसीलिए आप बीमार पड़े हो. तो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लो पेंडुलम से. लाइक से इफ आई टेल यू अभी आप जब आपका चार्ज हो जाएगा ना देन ये देखिए मैं इसको ऐसे पूछती हूँ प्लीज टेल माई एनर्जी राइट नाउ. एंजल प्लीज टेल माई एनर्जी राइट नाउ. हेलो आप मेरा हाथ देख रहे हैं ना अगेन? अब ये आपने कर लिया तो आपको भी पता है कि आप हाथ हिलाते भी नहीं है और ये अपने आप चलता है. यस ओके स्टॉप प्लीज स्टॉप स्टॉप. मैम पर खुद का ऑरा कैसे इसे चार्ज करवाए? लाइक मैं अभी अभी कोविड से उठी हूँ जस्ट इससे चार्ज. लेकिन इसके लिए ना फिर आपको एक पहले इसको अपनी एनर्जी के साथ मिलाना होगा. आप इसको अपनी एनर्जी के साथ मिलाइए उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से ये चार्ज हो जाएगा. इनफैक्ट आप अपने सातों चक्र को चार्ज करेंगे. Hello, और आप देखिए कि आपको कितनी बढ़िया एनर्जी आएगी. आपका मन एकदम ऐसे खुश रहने को मन करेगा. ये आप आराम से इससे अपने चक्रास को चार्ट. लेकिन अगर आपको नहीं पता ना तो अपनी ऑरा तक मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाता है ना तो देखिए हमारी ऑरा का मामला है जरा हेलो मैम. हेलो मैम इसीलिए इसको अच्छे से समझ के ही करिए. लेकिन स्पेशली हम लोग एनर्जी के काम में है ना हमें बहुत जरूरी होता है
बार बार अपने आप को साफ रखना, क्लीन रखना। हेलो मैम, तो सीधा ऐसे पूछते हैं कि मेरी एनर्जी को क्लीन करो। ये देखिए अभी कैसे घूम रहा था, अभी इसने उल्टा घूमना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि साफ करो। अब आप ध्यान से जरा देखिएगा इसको, अभी ये उल्टा घूम रहा है, आप सिर्फ इसी की तरफ देखिए। ये देखिए इसने डायरेक्शन चेंज करी, अब ये देखिए क्लॉकवाइज में आ गया अपने आप। तो अब इसने जितनी मेरी नेगेटिविटी थी सब निकाल दी है और अब ये मेरे को पॉजिटिविटी से भर रहा है। मैम ठीक है, अब आप इसको जब प्रॉपर रिचुअल के साथ करेंगे ना, आप यू सी योर एनर्जीज। हेलो, बहुत अच्छा चल रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? कौन बोल? हेलो मैम, कैन यू स्पीक फॉर अ मिनट? Yeah, so guys, I would like everybody to be on mute because it's really difficult for, you know, listening to everybody. If you have any questions, yeah, you can just drop it in the chat. So excited. No, even I'm very excited to teach them. Okay, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। आप सब म्यूट पे आ जाइए। ये देखिए, ये नारियल है। I hope it is seen clearly. ये नारियल है, ठीक है? अब मैं इससे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, मेरे सामने जितने भी हैं उन सबकी एनर्जीज बताइए। Please tell the energy of the people sitting in front of me. Please tell the energy of the people. थोड़ा हार्ट साइड में लेके जाइए। अभी ठीक है? Yeah, you are wearing yellow, ना तो कमी कमी। अच्छा अच्छा, okay. Yeah, मैं फिर से करती हूँ। Please tell the energy of the people sitting in front of me. Please tell the energy of the people sitting in front of me. Tell the energy of the people sitting in front of me. Please tell my energy. Tell my energy. Tell my energy. देखिए, आपने मेरा हाथ देखा, ये बिल्कुल सीधा था। आपने ये नारियल देखा, ये अपने आप उठ के खड़ा हुआ। This is a kind of a makeshift pendulum. ये भी energy, एक pendulum का काम करता है। हमें energy कैसे create होती है? हमारे अंदर, सबके अंदर एनर्जी है। इस पेन के अंदर भी एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है, लेकिन आप एनर्जी को अपने साथ कैसे बांधते हैं वही तो सीखना है। ओके, अगर मैं ये से पूछती हूँ, ओके, प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस रूम, प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस रूम। ये देखिए, ये एकदम से झटका खाएगा और ये सीधा हो जाएगा। ये भी एक पेंडुलम का काम करता है। इसको आप कैसे अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, बस वही सारा खेल होता है। सो दिस इज हाउ द पेंडुलम वर्क। एक पेंडुलम इस तरीके का भी होता है। यस प्रियंका, कैन वी प्रोसीड आगे? आई यू यू कैन टाइप द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल टेक इट लेटर। मैम, अगर हमने ये, मेरे पास जो पेंडुलम है जो मैंने एक बार अभी एनर्जाइज किया, तो उसको रखना कैसे है? अब किस तरह से रखना है? हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। Yes, Priyanka, can we move ahead? Okay. अब आप पेंडुलम से क्या क्या पूछ सकते हैं? देखिए, पेंडुलम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सवाल आप कैसे पूछेंगे। आप ये नहीं पूछ सकते, जैसे आप पिक्चर सामने देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्या इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं या नहीं, क्योंकि आपने हाँ भी बोला, आपने ना भी बोला, तो पेंडुलम कंफ्यूज हो गया कि क्या जवाब देना है। तो आप अपने सवाल कैसे पूछेंगे, क्या मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? बस फिर देखिए वो हाँ में जवाब देता है या ना में देता है। बट गाइस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इनसे कुछ पूछ रहे हैं और ये जो जवाब दे रहे हैं ना, फिर ये जो जवाब देना उनको मानिए भी जरूर, ट्रस्ट कीजिए। जितना आप इन चीजों पे ट्रस्ट करेंगे ना, आप मानिए आप 10% देते हैं ना, ये आपको 1000% देंगे। लेकिन आप इनके ऊपर विश्वास रखिए। आप किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, लाइक शुड आई एक्सेप्ट द प्रपोजल, आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली यंग लोगों में। देन शुड आई कंटिन्यू विद दिस जॉब, आपको नहीं पता आपको करनी है नहीं करनी। आप जिससे भी सलाह ले रहे हैं, लोग कहते हैं करो तो अच्छा, ना करो तो ये अच्छा, आप कंफ्यूज हैं। आप अपने हर कमरे की एनर्जी देखिए, आपकी बेडरूम की एनर्जी कैसी है, किचन की एनर्जी कैसी है, आपकी पार्किंग की एनर्जी कैसी है,
यू कैन चेक द एनर्जी, आपको पता चल जाएगा आपको क्या रेमेडी लेनी है उसको ठीक करने के लिए. फिर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे टेनमेंट में रहना चाहिए, मुझे फ्लैट पे रहना चाहिए, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है टेनमेंट या फ्लैट, आप ये पूछेंगे मेरे लिए क्या फ्लैट अच्छा रहेगा. अगर जवाब आता है हाँ तो ठीक है, फिर आप पूछेंगे क्या मेरे लिए टेनमेंट अच्छा रहेगा, क्या जवाब आता है वो देखिए. फिर स्ट्रेंथ देखिए पेंडुलम के मूव करने की. ऐसे ही आप अपने एक्टिव ब्लॉक्ड और ओवर एक्टिव चक्रास, ये पेंडुलम सबसे बढ़िया काम करता है. ऐसा नहीं कि आपका, दूर बैठे हुए आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनके भी चक्रास को ये क्लीन क्लियर और बैलेंस कर देता है. देखिए चक्रास कभी भी ना, ना तो वो एक्टिव होने चाहिए, ना तो वो ओवर एक्टिव होने चाहिए, और ना तो वो ब्लॉक्ड होने चाहिए. चक्रास हमेशा बैलेंस होने चाहिए. बैलेंस का मतलब होता है थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा, दोनों का मिक्स जरूर होना चाहिए, तभी वो आपके चक्रा को बैलेंस करता है. इसलिए हम इस पेंडुलम से अगर ज्यादा एनर्जी आ गई है तो हम उस एनर्जी को कम कराते हैं, अगर कम एनर्जी है तो हम उस एनर्जी को बढ़ाते हैं. ऐसे ही आप क्लेंजिंग और हीलिंग्स कर सकते हैं. लाइक आप जगह की क्लेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको रूम को अभी दिखाया करके, ऐसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, आप उसको भी इस पेंडुलम से ठीक कर सकते हैं. यही नहीं, आप किसी को गुड वाइब्स भेज सकते हैं, किसी को विशेस भेज सकते हैं कि ठीक है उसका काम अच्छे से हो जाए, आप वो भी भेज सकते हैं. लेकिन एक बात अध्ययन में आपको बोल रही हूँ, याद रखिए आप अपनी एनर्जी से काम ले रहे हैं, आपके पास अपनी एनर्जी है. अगर आप वो एनर्जी से काम लेते हैं तो आपकी Is it stuck for everyone? Meditation करेंगे. Okay. वो होता है जब आप prayers करेंगे तो वो automatically refilling हो जाता है. इसलिए जब भी आप energy के काम में हैं या pendulum कर रहे हैं या ऐसा. Yes, Monica, you wanted yes. to say something? Yes, yes. So in the middle you were a little stuck. So can you repeat it again? Yes. I was telling you कि जब भी आप एनर्जी के काम में होते हैं ना तो मेडिटेशन एंड प्रेयर्स इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर रखिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से काम लेते हैं, एनर्जीज खत्म हो जाती हैं, आप उसको रिफिल करेंगे तभी तो दोबारा काम कर पाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप ढीले पड़ जाएंगे, किसी की नेगेटिविटी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे. इसलिए ये चीजें ना बिना अच्छी तरीके से सीखे कभी मत कीजिएगा. ये जितना इजी दिखता है ना उतना रिस्की भी होता है. ओके देन अब आप पेंडुलम से कनेक्शन कैसे बनाएंगे अपना. जैसे अभी आयु के पास पेंडुलम है तो उसने नेक पीस पहना हुआ है तो उसने उसको पेंडुलम बना लिया, लेकिन आपको इसको एक्चुअली एक पेंडुलम बनाना है. बेस्ट है आप पहले पेंडुलम को खरीदिए और किसी रेकी हीलर से या कोई भी जो एनर्जी के काम में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है, लाइक इफ आई से आई एम अ ग्रैंड मास्टर, तो आप पहले मेरे से उसमें एनर्जी डलवाइए, उसके बाद वो आपकी एनर्जी के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाता है. सो बहुत जरूरी होता है कि आप पहले उसकी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएं, उसकी एनर्जी से एक साथ हो जाएं. क्योंकि देखिए अब ये तो आपने हर वक्त पहना हुआ है, कितने लोगों ने देखा होगा, छुआ भी होगा, तो इसमें नेगेटिविटी भी बहुत आ जाती है. इसलिए अब आप पेंडुलम को, मतलब आपका पेंडुलम आपकी एक पर्सनल चीज, उसको वो कोई भी टच ना करे, इसका बहुत ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए. क्योंकि दूसरे वाले की एनर्जी कैसी है आपको नहीं पता, आपके बच्चों की एनर्जी कैसी है आपको नहीं पता, आपके हस्बैंड की एनर्जी कैसी है आपको नहीं पता, क्योंकि आपके विचारों से ही तो आपकी एनर्जी बन रही है. ठीक है, इसलिए आप पेंडुलम आपकी इतनी पर्सनल चीज है कि आप कभी किसी को ये भी नहीं बोलेंगे जरा जानना मेरा पेंडुलम लेकर आओ. फाइन, आप उसको इतना संभाल के इतना प्यार से रखेंगे जैसे आप अपने घर में भगवान की मूर्तियों को कितने प्यार से और इज्जत से रखते हैं. बस यही, ये पेंडुलम उन्हीं का ही प्रतिरूप होता है. जब आपके सवालों के जवाब दे रहा है सामने आपके, तो फिर तो वो वही हुआ ना, आप ही के सामने आया. ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, एक अलग स्पेस पे रखते हैं. मैम पेंडुलम से यस और नो का पता कैसे चलता है कि यस है कि नो है?
Yes, I'll come on that. अब सबसे पहले आप उस पेंडुलम को नाम दीजिए, क्योंकि देखिए आपके घर आया ना, अब आप एक बात आप समझ के देखिए, प्लीज गो टू द बैक स्लाइड. अगर आप एक बात समझ के देखिए, आप एक क्लास में बैठे हैं और टीचर अगर आपको कहती है एक गर्ल प्लीज कम हियर, और फिर अगर आपको कहती है मोनिका प्लीज कम हियर, तो आपको दोनों में से किसमें कनेक्शन ज्यादा नजर आएगा? ऑफकोर्स जब आपने उसको फर्स्ट नाम से बुलाया तो आपको एक कनेक्शन नजर आया उसके अंदर, इसलिए आपके घर में भी ये एक देवता आए हैं, आप इनको एक नाम दीजिए. कोई भी नाम जो आपको पसंद हो, आपके पेरेंट्स का हो, आपका निकनेम हो, कोई आपको अच्छा लगता है, आप एंजल का नाम रखिए, कुछ भी, लेकिन नाम जरूर रखिए. इसको अपने एनर्जीज के साथ अलाइन कीजिए सबसे पहले. ये एक रिचुअल होता है जो सीखना बहुत जरूरी होता है कि आपकी एनर्जी के साथ वो कैसे बंधेगा, ताकि आपके सवालों के जवाब दे सके. वो अपनी ऑरा में रखिए, मतलब अपने आसपास रखिए उसको, कोई टच ना करे. और इसके लिए एक स्पेशल घर बनाइए. ऐसे कहीं पे भी, किसी भी टेबल पे पड़ा है, कबर्ड में पड़ा है, ऐसे कभी मत करिएगा. देखिए रिस्पेक्ट देंगे तो सामने से जवाब आएंगे, थोड़ा भी रिस्पेक्ट गड़बड़ हुआ ना तो ये गलत जवाब आने शुरू हो जाते हैं. देखिए जैसे मेरे इसका ये घर है, क्योंकि ये मेरे हीलिंग रूम में हर वक्त मेरे एंजल्स के पास पड़ा रहता है, तो मेरे क्रिस्टल बाउल में मैंने इसको कुछ ड्राई फ्लावर्स के साथ इसको ऐसे करके रखा हुआ है इसके अंदर, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रखा है. इसलिए आप कोशिश करिए कि हमेशा इसको एक अलग घर बना के जरूर दें. प्रियंका नेक्स्ट. अब ये जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी बैठ के, जस्ट अ मोमेंट, ओके. तो ये ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पेड़ पे बैठ के डाउजिंग करने शुरू कर देते हैं. इसके लिए स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहां पर बैठ के आपको डाउजिंग करनी चाहिए. ये अच्छा रहता है, आंसर्स उसमें से अच्छे आते हैं, करेक्ट आते हैं. इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक पर्टिकुलर पोजिशन पे बैठे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी वास्तु जानते हैं या डायरेक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हर डायरेक्शन क्या बोलती है. ओके, सो अकॉर्डिंगली हम ऐसी जगह पे बैठ के काम करें. ओके, अब इसके स्टेप, अब इसके रिचुअल्स क्या होते हैं, इसको शुरू कैसे करना है. ऐसे नहीं कि आपने बस उठाया, अमेजोन से आया, जैसे मैंने आपको बोला अमेजोन से आया, पैकेट खोला तो चलो मैं बताओ मेरा नाम ठीक है कि नहीं. ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए किसने बनाया है, कहाँ से आया है, कितनी फैक्ट्रीज में पड़ा था, कितने हाथों से निकला, कुरियर वाले के हाथ से आया, आपके घर में से किसी ने पकड़ा, फिर आपके पास आया, कितनी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज होंगी, उसको हमें क्लीन करना पड़ता है पहले. कहाँ रखेंगे इसको वो बहुत जरूरी है, कैसे रखना है वो बहुत जरूरी है, एंजल्स के साथ उसको आपने कैसे रखना है. लाइक अगर मैं आपको बताऊं एंजल्स, बिकॉज आई लव माई एंजल्स. ओके, अब ये देखिए ये रोज क्वार्ट्ज़ है, फाइन, ये मेरे एंजल है, तो मैं अपने पेंडुलम के साथ इनको रखती हूँ, मतलब इनके आसपास ऐसा रखती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल की अपनी एनर्जीज बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इनको क्रिस्टल्स के आसपास रखिए. आप देखिए इनकी एनर्जीज कितनी बढ़िया आ जाती है. और आप कोई भी मोडालिटी में हो, आई से आप रेकी में हो, आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप मतलब टेक अप एनी मोडालिटी, पेंडुलम आपको हर जगह पर हेल्प करेगा, हर जगह. मैं टैरो कार्ड रीड करती हूँ, मैं तो भी पेंडुलम लेके बैठती हूँ, बिकॉज आई क्रॉस चेक माय आंसर्स. मैं अपने टैरो कार्ड की एनर्जीज चेक करती हूँ उससे. इसलिए रेकी जानते हैं आप, स्पिरिचुअल करिए, बहुत अच्छा काम करेगा ये. ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बहुत इनको स्टार्टिंग और एंडिंग रिचुअल्स में रखते हैं. आपके हाथों को आपको कैसे रखना है, कैसे पकड़ना है, वो बहुत जरूरी होता है. कैसे हाथ साफ करेंगे उसके बाद, क्योंकि आपने किसी की एनर्जी को पेंडुलम के रास्ते पकड़ा था, तो अब आपको अपना हाथ भी तो साफ करना पड़ेगा. साबुन से कभी एनर्जी साफ नहीं होती है.
जब भी आप किसी की एनर्जीज पे काम लेते हैं ना, बहुत जरूरी है पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अब अगर मैंने किसी का देखा कि भाई इसकी जिंदगी कैसी चल रही है, तो मैंने उसकी एनर्जी अडॉप्ट करी तभी मैंने चेक किया, नहीं तो मैं उसकी एनर्जी कैसे पकड़ लूंगी। तो ये एक रिचुअल होता है जो हमें समझना पड़ता है। तो अगर आप वो रिचुअल के साथ करते हैं, अब उसकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं, आपको तो तंग करके जाएंगी ना। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करिए, अपना पहले भला देखिए, दूसरों का भला अपने आप हो जाएगा। इसीलिए आप हमको हीलर्स कहते हैं, पहले हम अपने आप को तो हील करें, फिर हम दूसरों को हील करेंगे। फिर लोगों की कैसी कैसी ऑरास होती हैं, आपने कभी ऑरास देखी? आपको पता है ऑरास कैसे देखते हैं? ऑरा कोई, उसके लिए रेकी आना जरूरी नहीं, ऑरा कोई भी देख सकता है। नहीं, वो करवाते थे कि इस तरह से हाथ अटक जाता है। ये देखिए, आप अपनी फिंगर को देखिए, ठीक है। अब अपने सामने अपनी फिंगर लेके जाइए, फिंगर पे आप कोई भी एक स्पॉट पकड़ लीजिए, आई से जस्ट अ डॉट, एक स्पॉट पकड़ लीजिए, स्पेशली द आउटलाइन कॉर्नर, ठीक है। और आप एक तक उसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, आपको आंखों में पानी आए कि जलन आए, लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको देखते रहिए। विद नो टाइम आपको ना आपकी फिंगर के आउटलाइन पे एक हल्की सी लाइट आती नजर आनी शुरू हो जाएगी, या तो ये व्हाइट कलर की होगी या येलोइश कलर की होगी, किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन एक हल्की सी लाइट आएगी। और वो कभी छोटी होगी, कभी बड़ी हो जाएगी, कभी फिर से कम हो जाएगी, कभी फिर से ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब ये जो निकल रहा है ना, ये आपकी ऑरा है। इसी को ऑरा कहा जाता है। जिनको एनर्जी की समझ होती है वो आपकी ऑरा को मेजर कर सकते हैं। लाइक रेकी में एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके आप हाथों से आप आराम से देख सकते हैं कि सामने वाले की ऑरा कितनी। ये तो एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आप इस पेन की भी ऑरा देख सकते हैं। मैंने आपको बोला हर लिविंग और नॉन लिविंग में ऑरा होती है। इसलिए अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। आप जब भी रीडिंग खत्म कर ले, मतलब जिसके आपने पेंडुलम करना है कर लिया, कभी कभी आप किसी के घर पे जाके उनका वास्तु चेक करेंगे कि कैसा है, हमेशा वापस आकर उससे अपना कॉर्ड जरूर कट करिए। क्योंकि आपने किसी की एनर्जी लेकर ही काम किया था ना, तो उसकी एनर्जी उसको वापस कीजिए, पहले तो वो कॉर्ड को कट कीजिए। अब ये नहीं है कि आपने अपनी बच्चे की एनर्जी कट करी तो मैं अपने बच्चे से कैसे कॉर्ड कट कर लूं। बच्चे के साथ कॉर्ड कट हुई है तो वो बच्चा आज आपके सामने बैठा है। कॉर्ड्स तो बच्चे के साथ भी नहीं बंधी होती, उसको भी पहले मिनट काट दिया जाता है। मैम, कॉर्ड कट कैसे होता है? कॉर्ड कट का एक रिचुअल होता है, उसको एक तरीका होता है उस कॉर्ड को कट करने का। ऐसे सिंपली कॉर्ड नहीं कट हो जाती हैं, ये हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है। ये हम सीखेंगे कि कॉर्ड्स को हम कैसे कट करते हैं। और ये एक आदत बनाइएगा, एनर्जी के काम में आए हैं ना, तो इसकी आदत बनाइएगा कि हर रात को आपने सबके साथ कॉर्ड कट करनी है, ताकि आपको किसी की भी एनर्जी डिस्टर्ब ना करें। चार्ट्स, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। आपने देखा कि मैंने अपने हाथ पे किया, मैंने हाथ पे इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत सारी मोडालिटीज में ग्रैंड मास्टर हूँ, इसीलिए मेरे पास एनर्जीज थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। लेकिन जब आप लोग शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको चार्ट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको कुछ भी जानना है, आप खुद भी चार्ट बना सकते हैं, अदरवाइज हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, काफी सारे चार्ट्स हम आपको देंगे, आप उसके ऊपर पेंडुलम रख कर भी शुरू कर सकते हैं डाउजिंग। कैसे चार्ट्स होंगे, यस नो और मे बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मे बी, जो आंसर आए उठाइए। ये आपको याद, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आपको याद रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पूछा लेकिन यार मन तो मेरा नहीं कर रहा उसकी बात मानने को, फिर नहीं। हाँ, फिर आप कर रहे हैं तो फिर पूरा बराबर करिएगा। सेवन चक्रास, कैसे आप उसको, आप उसमें से चेक कर सकते हैं कौन सा चक्रा बैलेंस है, कौन सा नहीं है, आपको वो चार्ट बताएगा। कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, लाइक लोग कितने आसानी से आके कह देते हैं कि किसी के घर में काम नहीं चल रहा होता है, किसी की शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, जॉब नहीं लग रही, कितने आसानी से लोग कहते हैं यार मेरे ऊपर किसी ने ना ब्लैक मैजिक किया हुआ है। सो इजी टू से, लाइक सीरियसली, आपको पता है ब्लैक मैजिक क्या होता है? इट इज, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, वो खा पी और सो नहीं सकता है। ब्लैक मैजिक इतना खराब होता है। ये हम जो करते हैं ना कि अपनी नजर उतारी हमने और चौराहे पे जाकर फेंक आए, ये आपने क्या किया? ये एक तरीके का ब्लैक मैजिक किया आपने।
मतलब अपने ऊपर आई मुसीबत आपने जाके चौराहे पर फेंक दी कि जो इसके ऊपर से निकले, जो बाजू से निकले, चलो मेरे ऊपर से तो निकली, फिर किसी पे भी चढ़ी। आपको पता है आप कितने बड़े कार्मिक के भागीदार बन रहे हैं, कितने बड़े कार्मिक। आप एक मुसीबत से छूटे नहीं, आपने 10 मुसीबत अपने पीछे लगा ली। कोई प्रॉब्लम आई थी ना तो उसकी मर्जी से आई थी, आपने कैसे किसी के हाथ दे दी वो, और आप कैसे छूट गए। ऐसे कोई छूट जाए तो सारी दुनिया नींबू मिर्ची के काम में लगी रहे। अगर आप कभी भी ऐसा करते हैं या किसी को करते देखते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बहुत डीपली एनर्जी के काम, मैंने आपको बोला कि मैं स्पेल्स करती हूँ, मैं जानती हूँ ब्लैक मैजिक आपका कितना नुकसान कर जाते हैं, कभी मत करिएगा। वो आपको नहीं, आपसे रिलेटेड लोगों को भी नहीं छोड़ेगा फिर। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करिए। आप अपने लिए अच्छा बेशक करिए, लेकिन उसके चक्कर में किसी का बुरा मत करिए। बस हमेशा याद रखिए, आप मंदिर जाते हो ना जाते हो, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। इसलिए एटलीस्ट इतना करिए कि दूसरे के लिए अच्छा सोचे, बस। तो इस ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया हुआ है तो हम ये कैसे जानेंगे, किसने किया है, कब से किया है, उसका तोड़ क्या है, ये हम सब कुछ यहाँ डाउजिंग से सीखेंगे। देन लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड इसमें मैं कहती हूँ कि मैंने, ये मेरा एक फोटे है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गुम हुई चीजें सिर्फ पेंडुलम से ढूंढ के निकाली है कि इस दिशा में पड़ी है, इस जगह के नीचे पड़ी है, इसको उठाओ और सामने वो चीज आपको पड़ी मिल जाएगी। ये इतना आसान होता है ढूंढना, सिर्फ विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, आप ढूंढ लेंगे उन चीजों को। पेंडुलम डाउजिंग गुम हुए लोगों को भी ढूंढ लेता है। आप जानते हैं कोई भी इंटेलिजेंस जो होता है ना, इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं या इंटेलिजेंस कंपनीज होती हैं, इन सब के पास टैरो कार्ड रीडर और पेंडुलम डाउजिंग करने वाले लोग होते हैं। वो बताते नहीं है क्योंकि ये ना लगे कि अंधविश्वास से देख रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं। जैसे रेकी होती है ना, रेकी डॉक्टर्स, बहुत डॉक्टर्स को रेकी आती है और बहुत सारे लॉयर्स को रेकी आती है, क्योंकि सामने वाले के विचार को इन्फ्लुएंस करना होता है कहीं ना कहीं, तो वो है ना। ये तो डॉक्टर भी मानते हैं कि उस ऊपर वाले की चाहिए ग्रेस, जब आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपके पास कहते हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी प्रे कीजिए, नहीं तो डॉक्टर ऐसे क्यों बोले आप प्रे करो। सो ये बहुत जरूरी होता है कि हम लॉस्ट एंड फाउंड कैसे ढूंढते हैं, इससे ये जानना। फिर सपोज आपको कोई अच्छा इवेंट करना है, आपको डेट्स नहीं समझ आ रही, इस दिन करूं, आप आराम से ढूंढ सकते हैं इन चार्ट्स के जरिए। आप टैरो रीड कर सकते हैं, सपोज आपके पास कार्ड्स नहीं है, आपको किसी की इंस्टेंट रीडिंग देनी है, आप अपने पेंडुलम और चार्ट से उसी टाइम रीडिंग कर सकते हैं। कौन सा कलर आपको आज पहनना चाहिए, या कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, या कौन सा कलर आपको कभी नहीं पहनना चाहिए, ये सब आपको पेंडुलम बताता है। आपके गार्डियन एंजल्स कौन है, देखिए भगवान ने हम सबको एक एक एंजल दिया है, सबको दिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हमारे एंजल कौन है। मैंने जब पेंडुलम सीखा तो पहली बार जाना कि मेरे जो एंजल है वो आर्च एंजल रेगुअल है, मुझे तब पता चला। अब मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैं पहले अपने आर्च एंजल रेगुअल को बुला लेती हूँ कि प्लीज आ जाओ और मेरे साथ बैठ जाओ और प्लीज मेरा काम कराओ। सब काम अपने आप हो जाता है, सब हो जाता है। अगर आप थोड़ी भी एनर्जीज जानते होंगे ना, तो इस टाइम मेरे आसपास आप उन एनर्जीज को फील कर सकते हैं। अगर आप एनर्जीज जानते हैं तो आपको महसूस होगा, क्योंकि मेरे एंजल्स मेरे आसपास रहते हैं, मेरे को पता चलता है वो रहते हैं। ऐसे ही आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, आपको होम्योपैथ लेना है, आयुर्वेद लेना है, बैच फ्लावर लेना है, कौन सा आपको ट्रीटमेंट लेना है, आप ये वहां से पता चलाइए। देन और कितना कुछ मतलब बहुत कुछ, राइट। और आप खुद भी अपना बना सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि ये आपके पास होने चाहिए, अपना बनाइए। अब सबसे जरूरी होता है कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करिए। देखिए, सवाल गलत पूछेंगे तो जवाब कभी सही नहीं आएगा, इसलिए बहुत 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 जरूरी है सवाल सही पूछे आप अगर ऐसे पूछेंगे कि मेरी शादी कब होगी, अब पेंडुलम बेचारा घूम के आपको साल बताए, महीने बताए या दिन बताए, वो बोल तो नहीं सकता है। तो आपको सवाल पहले सही पूछना है कि क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी, देखिए क्या जवाब आता है। अगर ना आ गया तो चलो फिर तो अगले साल पे जाओ, अगर हाँ आ गया तो क्या मेरी शादी जून से लेके अक्टूबर के बीच में हो जाएगी,
देखिए फिर क्या जवाब आता है, अगर ना आ गया तो आगे जाइए, हाँ आ गया तो फिर अब डेट पे आ जाइए, फिर अब एक एक महीना करके पकड़िए, ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन फ्रेम करते करते आप पहुंच जाएंगे जो आपको जवाब चाहिए, सिर्फ वो ट्रिक आनी चाहिए आपको सवाल पूछने की। अब आप प्रोफेशनल डाउजर कैसे बन सकते हैं, देखिए जिस दिन आप ये डाउजिंग का कोर्स खत्म करते हैं ना, आई एश्योर यू कि अगले दिन से आप किसी से भी चार्ज करके आप किसी का भी पेंडुलम डाउजिंग कर सकते हैं। गाइस मैं एक बात आपको बताऊं, और आप कोई भी कोर्स करिए, करें ना करें आप कुछ भी करिए, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी की एनर्जी को पकड़ते हैं ना तो उससे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर लीजिए। अगर आप उससे बिना कुछ लिए उसका कुछ करते हैं ना तो आप सीधी बात समझ जाइए, आपने सामने से मुसीबत को न्योता दे दिया, आ बैल मुझे मार कर दिया आपने, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी अब तो आपको हिट करेगी करेगी। इसीलिए हम लोग ऑकल्ट साइंस में कभी ये नहीं बोलते कि फीस क्या है, हम कभी ये नहीं बोलते चार्जेस क्या है, हम बोलते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज क्या है, मतलब मैंने आपको एनर्जी दी उसके एक्सचेंज में आप मुझे क्या दे रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड का चेक कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का चेक कर रहे हैं, तो नेचुरली आप उनसे तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे, तो आप उनको क्या बोलेंगे, अच्छा बेटा जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, हमारा लेन देन बराबर हो गया। क्योंकि हम इस दुनिया में बैठे हैं ना तो ये लेन देन के चक्कर में ही बैठे हैं, इसलिए इस लेन देन के चक्कर में ज्यादा मत फंसना, जो आपका इंट्यूशन कहता है लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। इसी के साथ हम मास्टर क्लास में मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे, आई थिंक ऑलरेडी टाइम काफी हो गया है, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर शोइंग अप। आपने यस और नो का बताया, मैं आपने यस और नो को नहीं बताया कि कैसे वर्क करता है वो। मैं आपको यस नो के चार तरीके सिखाऊंगी, सिर्फ एक नहीं बताऊंगी, चार तरीके बताऊंगी यस एंड नो के। लेकिन आपके पास आपका पेंडुलम होना चाहिए, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, तभी वो फायदा देगा। मैम आपके ये तो मैंने आपको, हाँ? आपके पास पेंडुलम है, आप बता सकते कि आप जो लाइक आप जो कर रहे थे, हाँ, अभी उसमें यस और नो क्या है? देखो मेरा यस एंड नो, मेरा यस एंड नो होता है, तुम्हारा यस एंड नो तुम्हारा ये, जैसे मेरा अगर यस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब तुम अपनी एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो हो सकता है तुम्हारा यस स्ट्रेट हो, इसलिए ऐसा फिक्स नहीं होता है कि यस मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत धारणा है अगर आपने कहीं से सुनी है तो। हर किसी का अपना हाँ और अपना ना होता है, इसलिए कभी किसी का हाँ ना देख के ना खुद मत समझ जाइए कि ये मेरा हाँ या ना है। आप पहले कनेक्ट करिए अपनी एनर्जी के साथ, अपने पेंडुलम के साथ मेडिटेट करिए, फिर उसको पूछिए कि मुझे बताओ मेरा हाँ क्या है, मुझे बताओ मेरा ना क्या है, फिर कनेक्शन लीजिए, किसी का देख के कभी नहीं करवाइए काम। मैंने आपको बोला देखिए एनर्जी का मामला है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं इस काम में। इसके लिए मतलब लाइक कितने डेज मेडिटेट करना होगा? लाइक वैसे तो रोज करेंगे, बट स्टिल मतलब एनर्जी क्रिएट करने के लिए एंड पेंडुलम को अपने लाइक उसमें करने के लिए कितना करना चाहिए, कितनी देर? इसके भी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आप मास्टर क्लास में आएंगे, आई विल गिव यू आंसर ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैं आपको इतने से टाइम पे ना इतना डिटेल चीजें नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अगर आपको ऊपर ऊपर तरीके से बता दिया तो आधी कचरी नॉलेज वो आपको तंग कर जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको वो एनर्जी डिस्टर्ब करें। आप डिटेल में सीखिए, अच्छे से सीखिए, फिर दूसरों की एनर्जी। चार्ट कब दोगे मैम? चार्ट कब दोगे? आई विल गिव इट द मास्टर क्लास, वो मास्टर क्लास का है। Okay. So, ma'am, can you like maybe mute yourself because there is some disturbance I'm hearing. Yes, I'm muting myself. Yes. Yeah. Okay, now it's perfect. Okay. So, guys, all these 21 people in the session, stay back because we have a surprise for you. And before that, I would like to tell you about the masterclass.
So before I tell you about the masterclass, may I know how many of you are interested? I know about IU, other people. Can you all tell me in the chat box? Jaldi se. Guys, we need to know how many people are interested, right? Okay, Priya, Saurav Spirit, okay. Okay, okay, I see a lot of people. Fine. So give me a moment. Okay. I hope everybody can see my screen. Is it visible, ma'am? Is it clear? Yeah, okay. So this class is going to be for 2 days, Saturday and Sunday, from on 5th and 6th March. Okay. And the timing is from 7 p.m. to 8 p.m. You'll learn all the in-depth knowledge in these 2 days, as ma'am already knows that she can, you know, just teach you in these 2 days all the in-depth knowledge. And these are 2 hours of master sessions, as you can see. But there is three things that you all are going to get with this. There are three benefits with this masterclass. As I see that there are a few people who want to, you know, do it professionally as well for, you know, you all and the people who are taking it as a hobby, anybody can, you know, take this session. So the three benefits is the first most beautiful benefit is that you will be getting a lifetime guidance from Aarti ma'am, which means even after the course has ended, okay, if you still have any questions or any doubts, if you are still, you know, looking forward to learn it further, learn it more, she'll be there to help you with it, guide you through it. And yeah, that's the meaning of lifetime guidance. Okay. Now, the people who are going to take this masterclass, you all are going to, Priyanka, can you spotlight me? Okay. So the people who are going to take this masterclass, you all are going to be added in, you know, in a group on BitClass application. If you don't have the application, please download it from Play Store, BitClass app. Okay. So once you are taking this masterclass, when you're enrolled with it, you'll be added in a group with ma'am in BitClass app, where you will be in touch, in direct touch with her, and you can just drop your questions or any of your queries, and she'll be there to, you know, guide you with it. So this is the first benefit. The second one is that you all are going to get a certification. This is a certification course. So this is a certification course, and for 2 days we'll be getting a certification through BitClass app and signed by ma'am. Okay. Now the third one, the third benefit is you all are going to get these recording of these sessions. Okay. So how is this recording going to help you? Once you have learned it, you can practice it, right? You need practice. You need a lot of practice. You need a lot of patience to do it, right? So you can just, you know, go through the recording again and again. You are going to get this recording for your lifetime. Again, it will be there in your BitClass app till you have the app, right? So this is lifetime access to the recordings. Okay. So you can just go through it again. You can just practice from there. You can, you know, brush up your skills. And if you have any questions after practicing, as I told you, that will be added in a group. So ma'am will be there to guide you. You can just drop your questions there. I hope everybody understood it, or should I repeat? Can you all tell me in the chat box? I have one doubt. Yes, tell me. Should we come with a pendulum? I mean, should we buy a pendulum, or can we use? I used my pendant now. So, okay. Is it necessary to buy a pendulum before the class? So, ma'am, can you answer that? Yes, it is very necessary to sit with the pendulum, क्योंकि मैं उस pendulum को attune करूँगी. जब वो pendulum हम master class में use करेंगे, आप सब अपने-अपने pendulum, तो मैं उस pendulum को attune करूँगी, उसको energy दूँगी, तभी आप वो use करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास अपनी इतनी strong energy नहीं होगी. अभी मैंने आपको सिर्फ एक example के तरीके से अपनी energy दे के आपको वो चलाना दिखा दिया था. लेकिन आप सब अपने पेंडुलम्स लेकर आएंगे. हम लोग चैट ग्रुप में जो मास्टर क्लास में है, वी आर रेगुलरली ऑन चैट कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना है, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा. आई रेगुलरली टेल देम. सो आतिरा, इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? यस, माय क्वेश्चन इज आंसर्ड. एंड वन मोर थिंग, आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन Amazon, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? So I am a Leo. My zodiac sign is Leo. So should I buy something according to my zodiac sign, or can I buy anything? Don't just start with buying.
नहीं ये हम चैट ग्रुप में बात करेंगे. आई विल चेक योर एनर्जीज, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा. आई विल गिव यू फ्यू ऑप्शंस, फिर आप उसमें से सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओके सो लाइक आथिरा, इफ एनीबॉडी एल्स इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी, प्लीज बी पेशेंट विद दीस, पेशेंट विद दीस थिंग्स. ओके, यू डोंट हैव टू you know don't panic, don't just you know rush and do things, okay, because these things require a lot of patience, right? So ma'am will be there to guide you with it, as I told you. So do not rush and buy things pehle se, okay? Everything will be done accordingly, ma'am, right? She'll teach you, she'll guide you through it. So be patient and learn it, you know, with patience. That's the thing. Once you are, you know, listening, you have to be a good listener before you start acting, right? So learn it from there. So ma'am, I'll just you know, share the next screen and you can just give them a brief about all these things that you'll be learning. Yeah, I will do that. You just finish, then I will do that. Yeah. Okay.